नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से उसके मालिक एलन मस्क लगातार विवादित फैसलों से चर्चा में है। नया मामला इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से पत्रकारों के खाते निलंबित करने का सामने आया है। मस्क के इस फैसले के संयुक्त राष्ट्र महासचिव पटेनियो गुतरेस ने निंदा की है। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार चीन मुद्दे की नजरअंदाज कर रहा है। देश की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भारत उनके परदादा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, जिन्होंने चीन को भारतीय जमीन हड़पने की अनुमति दी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग जब से रिलीज हुआ है, इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म में दीपिका की बिकनी के रंग पर जमकर बवाल हो रहा है। वहीं अब इसी मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिल्किस बानू की तरफ से दायर एक याचिका खारिज कर दिया है। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि वह अपने उस आदेश की समीक्षा करें जिसके तहत उसने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों को छूट देने पर विचार के लिए कहा था। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं। 17 दिसंबर 1975 को चेन्नई में पैदा हुई वैभवी मर्चेंट के इशारे पर बॉलीवुड के एक सिपर कर एक स्लेबस नाचे हैं। वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कोरियोग्राफर बी हीरालाल की पोती। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हो रही है। इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बनाए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाग लिया है। शिवराज सरकार अपनी भांजियों को पढ़ा लिखा कर नाम वाली बनाना चाहती हैं, तो वहीं उनके नुमाइंदे छात्राओं से झाड़ू लगवाकर उन्हें काम वाली बनाने में तुले हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो बता रहा है, जो कटनी जिले के पिलौंजी माध्यमिक शाला का बताया गया है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, कुछ दिन बाद साल भी विदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को उस तरह की सर्दी का एहसास नहीं हुआ है जो इस महीने में आम हुआ करती थी। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी जज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने समयपुर बादली सब डिवीजन के थाने में जाकर एक रेट पिटीशन को निपटाने के एवज में एसएचओ से 5 लाख रुपए की मांग की थी। जम्मू की नगरोटा पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप बरामद की है। तस्कर पंजाब का रहने वाला है, जो लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चरस बरामद कर ली है। केस दर्ज कर मामले में आगे की जांच की जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।